हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में बोला गया कि देर इज अ नॉर्मल कपल हु हैज देयर फर्स्ट चाइल्ड, एंड जो फर्स्ट चाइल्ड है वो हेमोफिलिक है। सो हमें क्रॉस बनाना है टू शो हाउ इट इज पॉसिबल, एंड हमें पॉसिबिलिटी भी बताना है ऑफ द नॉर्मल एंड हेमोफिलिक चिल्ड्रन अलॉन्ग विद देयर सेक्सेस दैट कैन बी बॉर्न टू देम। सो इफ यू टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, देन दैट विल बी एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज। सो सबसे पहले अगर हम लोग एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज के बारे में बात करते हैं, सो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। नाउ ये उस तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है, हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें जो एक्स क्रोमोसोम्स हैं वो अफेक्टेड होते हैं। सो फर्दर वी कैन राइट फॉर दिस कि ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उसमें दे इनहेरिट द डिजीज बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन द एक्स क्रोमोसोम। एंड क्योंकि ये रेसेसिव डिजीज है, साथ ही साथ ये क्या है कि एक्स क्रोमोसोम पे डिपेंडेंट है, दैट इज द रीजन बोल सकते हैं कि इसमें मेनली क्या होता है कि मेल्स जो होते हैं दे आर अफेक्टेड, एंड बहुत रेयर ही होता है कि फीमेल्स आर अफेक्टेड। सो फीमेल्स का क्या हो सकता है, फीमेल्स कैन बी इधर नॉर्मल या फिर फीमेल्स कैन बी कैरियर टू दिस डिजीज। सो नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि वो नॉर्मल कपल है, बट उनका जो पहला चिल्ड्रन है वो हेमोफिलिक है। दैट मीन्स कि जो कपल है उनमें से एक जन कैरियर होगा। नाउ बिकॉज ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, दैट मीन्स एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो हमारा जो है दैट शुड बी अफेक्टेड। दैट इज द ओनली वे कि हमारा जो फर्स्ट चाइल्ड होगा दैट वुड बी हेमोफिलिक। सो इफ यू हैव टू टॉक अबाउट द जीनोटाइप फॉर बोथ द पेरेंट्स, सो फादर जो होंगे उनका अगर हम लोग जीनोटाइप की बात करें तो उनमें नॉर्मल जीन्स रहेंगे, दैट इज एक्स एंड वाई। बट इफ़ यू टॉक अबाउट मदर, सो मदर जो होंगी वो कैरियर होंगी इस डिजीज के लिए। तभी क्या होगा कि ये जो हमारा एक्स लिंक्ड है, एक्स क्रोमोसोम है, दैट शुड बी रेसेसिव, एंड ये जब क्रॉस हम लोग बनाएंगे आगे तो देखेंगे कि द चाइल्ड विल बी हेमोफिलिक। सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ क्रॉस फॉर दिस। सो लेट अस से कि हम लोग एक साइड में जीनोटाइप लिखते हैं फादर का, दैट इज एक्स एंड वाई, एंड दूसरा साइड हम लोग लिखते हैं जीनोटाइप ऑफ मदर, दैट इज एक्स एंड एक्स एच, दैट इज ये जो है हमारा वो डिनोट कर रहा है दैट मदर इज कैरियर टू दिस डिजीज। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्रॉस का सारा जो प्रोजनी के जीनोटाइप्स होंगे उसको लिखते हैं, दैट इज फर्स्ट वन विल बी एक्स एक्स, सेकेंड वन विल बी एक्स एच एंड एक्स, next will be xy and another one will be xhy. so now from here we can say कि यहाँ पे दो girl है and दो boys है. so from here we can say कि जो xx है that denotes normal girl and जो xhx है this denotes about girl who is कैरियर टू दिस डिजीज, एंड एक्स वाई जो है दिस डिनोट्स नॉर्मल बॉय, वेर एस जो एक्स एच वाई है ये डिनोट करता है हेमोफिलिक बॉय को। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि हमारा हेमोफिलिक बॉय जो है दैट मीन्स ये हो सकता है हमारा फर्स्ट चाइल्ड, दैट इज द रीजन जो उनके फर्स्ट चाइल्ड वो हेमोफिलिक है। सो इस तरह से पॉसिबिलिटी भी हमें पता चल गया है अबाउट द नॉर्मल एंड हेमोफिलिक चिल्ड्रन। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी जो हमारा है यहाँ पे दैट विल बी वन गर्ल जो है शी विल बी नॉर्मल, एक गर्ल कैरियर होगी, एक बॉय जो है वो नॉर्मल होगा, एंड एक जो है वो हेमोफिलिक बॉय होगा। अगर हम लोग बात करते हैं पॉसिबिलिटी फॉर हेमोफिलिक गर्ल, सो दैट विल बी जीरो। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।